भारत के लड़ाकू क्षमता वाले स्वदेशी ड्रोन विमान रुस्तम द्वितीय ने अपना पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। डीआरडीओ के मानव रहित विमान से जुड़े भारत के विकास कार्यक्रम को नई ऊंचाई मिली है। यह 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है और देश के सशस्त्र बलों के लिए टोही मिशन को भी अंजाम दे सकता है। इस मानव रहित विमान को अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन की तरह मानव रहित लड़ाकू यान के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। रुस्तम द्वितीय का परीक्षण बेंगलुरु से करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित चित्रदुर्ग के एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया। यह जगह मानव रहित एवं मानव युक्त विमानों के परीक्षण के लिए नव विकसित उड़ान परीक्षण स्थल है। तापस 201 यानी रुस्तम द्वितीय का डिजाइन और विकास डीआरडीओ की बेंगलुरु की प्रयोगशाला एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और HAALBEL ने मिलकर किया है। इसका वजन 2 टन है और डीआरडीओ की युवा वैज्ञानिकों की टीम ने इसका परीक्षण किया। वहीं भारतीय नौसेना को 4 मॉडर्न टोही विमान P-8I के मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है और इन विमानों की आपूर्ति की शुरुआत जुलाई 2020 से होगी। बोइंग KP-8I के कार्यक्रम से जुड़े मार्क जॉर्डन ने कहा, हम इसकी आपूर्ति जुलाई 2020 तक करने की उम्मीद करते हैं। हमारे पास सुधारों की एक लंबी सूची है जिसमें भारतीय नौसेना ने दिलचस्पी दिखाई है और हम उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले विमान की आपूर्ति जुलाई 2020 तक होगी, बाकी 3 की आपूर्ति 21 के अंत तक की जाएगी। बोइंग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि भारत लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों में से 8 का इस्तेमाल कर रहा है और इस साल जुलाई में नौसेना ने 4 अतिरिक्त विमानों के लिए ऑर्डर दिया। भारत ने इसके साथ ही उस सुधारों और नई विशेषताओं की एक सूची भी साझा की जिनकी उसे जरूरत है। हालांकि उन सुधारों के बारे में खुलासा नहीं किया जा सकता। भारतीय बेड़े में बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है।